हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आजम और आज हमारी वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंजल फिश। तो भाई, पहले मैं आप सबको प्लीज़ सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि आप सब मेरे से नाराज़ हो गए कि मैं बहुत ज़्यादा लेट वीडियो डाल रहा हूँ। गाइस, क्या करूँ, बस थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है, वीडियो कंसिस्टेंट नहीं बना पाते, कंसिस्टेंट नहीं रह पाता मैं। तो आई एम रियली रियली सॉरी एंड थैंक यू वेरी मच 300 सब्सक्राइबर्स के लिए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर वन, ज़ेब्रा एंजल फिश। दोस्तों, ये जो होती है 10 इंच तक बड़ी हो सकती है और इनके बारे में खास बात ये होती है कि जो मेल और फीमेल होते हैं वो दिखने में अलग अलग होते हैं। ये ग्रुप और सिक्स में रहते हैं, तो मतलब अगर आप इन्हें पालना चाहते हो तो कम से कम आप 6 का ग्रुप ज़रूर रखिए और इनके लिए 30 गैलन का टैंक काफ़ी होता है। नंबर टू, मार्बल एंजल फिश। दोस्तों, इसको मार्बल एंजल फिश इसने कहा जाता है क्योंकि इस पर जो पैटर्न होते हैं वो मार्बल टाइप के होते हैं और इन्हें वार्म वाटर के एनवायरनमेंट में रहने का शौक होता है और ये उन्हीं में पाई जाती हैं। पर ना, आप इन्हें स्लाइटली एसिडिक वाटर में भी रख सकते हो, वो भी एक अच्छी तरीके से काम करेगा। और इन्हें आप 30 गैलन का टैंक दीजिए, वो इनके लिए बिल्कुल सही रहेगा। और ये ग्रुप ऑफ 5 में रहती हैं, 5 से ज़्यादा फिश आप रखोगे तो ये बहुत ज़्यादा खुश रहेंगी। ब्लैक व्हेल एंजल फिश। दोस्तों, ये जो एंजल फिश का टाइप है, रिजल्ट है 40 साल की ब्रीडिंग का, क्योंकि इसका क्या नाम है, ये वेरियंट 40 साल तक कॉन्स्टेंटली ब्रीडिंग करवाने के बाद ब्लैक व्हेल का इजाद हुआ। इसके लिए 30 गैलन का टैंक काफ़ी होता है। अगर आप पेयर रख रहे हो तो आपके लिए क्या नाम है, 30 गैलन बहुत है और क्या नाम है, वो एडल्ट पेयर के लिए भी काफ़ी है। 76 से 84 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर इनके लिए परफेक्ट है एंड 7.8 और उससे ऊपर का पीएच इनके लिए परफेक्ट रहता है। और इन्हें ड्रिफ्ट वुड, रॉक और हाइडिंग प्लेस बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, सो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को भी अप्लाई करें। नंबर फोर, लेपर्ड एंजल फिश। दोस्तों, ये अमेजोन रिवर में पाई जाने वाली एक एंजल फिश की टाइप से ब्रीड हुई हैं और ये अपीरियंस में लेपर्ड जैसे इन पे स्पॉट्स होते हैं, तो इसीलिए इन्हें लेपर्ड एंजल फिश कहा जाता है। पर इन्हें प्रॉपर और बहुत ज़्यादा केयरफुल लाइटिंग चाहिए होती है, वरना इनका जो कलर होता है वो फेड अवे हो जाता है और ये लेपर्ड से एक बिल्कुल येलो कलर की एंजल फिश बन जाती है। दोस्तों, नंबर 5 पे आती है ब्लैक लेस एंजल फिश। ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स फिश होती है, इसे नॉइजी एनवायरनमेंट नहीं पसंद होता, शोर शराबा बिल्कुल नहीं पसंद होता और इसीलिए एक्टिव स्विमर नहीं होती है, कम स्विम करती हैं, स्लो स्विम करती हैं और इन्हें गर्म पानी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मतलब 75 से 82 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहता है। और क्या नाम है, इन्हें कम्फर्टेबल फील करवाना बहुत ज़रूरी होता है, इनके पीसफुल एनवायरनमेंट पसंद होता है और ये 14 इंच तक लंबी हो सकती हैं। नंबर 6, एल्बिनो एंजल फिश। दोस्तों, ये एंजल फिश का वो टाइप है जिसे एक्वेरियम में ब्रीड करवाया गया है। इनके जो पूर्वज थे वो क्या नाम है, उन वाटर एरियाज में रहते थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट होते थे, बहुत ज़्यादा रूट जड़े होती थी, बहुत ज़्यादा प्लांटेशन होती थी, जो क्या करती थी ना, इन्हें शिकारियों से प्रोटेक्ट करती थी और इन्हें बहुत ज़्यादा फूड प्रोवाइड करती थी। और क्या नाम है, इसीलिए इन मछलियों को भी अपने पूर्वजों की तरह हैवीली प्लांटेड एक्वेरियम बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और इन्हें मीडियम साइज़ की मछली के साथ रखिए क्योंकि ये छोटी मछली को खा जाती हैं और इन्हें फ्रोजन और अलाइव फूड बहुत ज़्यादा पसंद होता है और ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे मूव करती हैं, तो इसलिए खाना भी आप इन्हें बराबर दीजिए, कहीं कोई मछली पीछे छूट जाएगी तो वो खाना नहीं खा पाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको टाइनी मॉन्स्टर चाहिए या फिर आप थोड़ी एंजल फिश के रूप में कोई मॉन्स्टर फिश चाहते हो तो एल्बिनो एंजल फिश एक अच्छी चॉइस हो सकती है। नंबर 7, ब्लशिंग एंजल फिश। दोस्तों, जो ब्लशिंग एंजल फिश होती है उसके नाम से ही आपको पता लग गया होगा इसका नाम ये है क्यों, पर इनके लिए टेम्परेचर है वो 75 से 82 डिग्री का जो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर होता है वो बहुत आइडियल माना जाता है और इनके जो चिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लशिंग लुक देते हैं, तो इसीलिए इनका नाम ब्लशिंग एंजल फिश कहा जाता है। और बाकी इनकी जो नॉर्मल जो प्रॉपर्टीज़ होती है, वाटर टेम्परमेंट होता है, वो ऊपर की दी गई एंजल फिश से ही बिल्कुल समान होता है। नंबर 8, गोल्ड एंजल फिश। दोस्तों, ये एक वेरिएंट है किसी एंजल फिश का और ये कलरेशन में गोल्ड होता है। 6.5 से 6.9 का पीएच इनके लिए परफेक्ट होता है। 76 से 84 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहता है और ये क्योंकि अमेजोन रिवर से बिलोंग करती है तो इन्हें हैवीली प्लांटेड एनवायरनमेंट की खास ज़रूरत होती है। नंबर 9, स्मोकी एंजल फिश। दोस्तों, इनका जो बॉडी होता है ना, उनकी बॉडी में डार्क कलर की पिगमेंटेशन होती है, तो इसलिए जिस तरीके से ये बड़ी होती रहती है, जो डार्क कलर की पिगमेंटेशन होती है वो और ज़्यादा इनकी बॉडी को डार्क करती रहती है। और इस फिश के बारे में जितनी भी वाटर पैरामीटर्स वगैरह है वो ऊपर दी गई एंजल फिश के जैसी ही है। नंबर 10, एल्टम एंजल फिश। दोस्तों, कहना मैं, इन्हें हाई लेवल की केयर चाहिए होती है, तो अगर आप बिगनर हो तो प्लीज़ इस फिश को अवॉइड करें। और इन्हें हाई लेवल की केयर इसलिए चाहिए होती है क्योंकि इन्हें स्पेशल वाटर कंडीशंस चाहिए होती हैं। ऊपर की जो एंजल फिश है
उनमें क्या नाम है, 100-100 डिफरेंस है, पर वो ऑलमोस्ट सेम ही है। पर जो एल्टम एंजल फिश है उसकी जो है वाटर कंडीशंस थोड़ी अलग है। इनको टेम्परेचर 82 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट का चाहिए होता है, और पीएचबी ने लोअर लेवल का चाहिए होता है 4.8 से 6.2 का। और वाटर हार्डनेस भी मैटर करती है, वाटर हार्डनेस हमेशा लेस देन 5 होनी ही होनी चाहिए। नंबर 11, कोई एंजल फिश। दोस्तों मैं पहले ही बता दूँ, ये मेरी पर्सनल फेवरेट एंजल फिश है, और ये गोल्ड और ब्लशिंग एंजल फिश जैसी ही होती है, पर इसकी जो कलरेशन होती है वो दोनों से मिली जुली होती है, जो कोई फिश की कलरेशन को रिप्रेजेंट करती है, तो इसीलिए इसका नाम कोई एंजल फिश है। दोस्तों ये 6 इंच तक बड़ी हो सकती है, और बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी फिश है, ईजी टू केयर होती है, और 30 गैलन का टैंक इनके लिए परफेक्ट होता है। नंबर 12, सिल्वर एंजल फिश। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब एंजल फिश के जितने भी टाइप है उसमें टॉप 3 में तो ये आती है। और ये इतनी पॉपुलर इसलिए क्योंकि हर एक्वेरियम शॉप में आपको मिली जाएगी, और ये इजी टू केयर है, इसका लुक बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होता है, और ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेट स्पीशीज़ है। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप एक्सपीरियंस गेन करने के लिए इस फिश को ज़रूर पाल सकते हो। नंबर 13, प्लैटिनम एंजल फिश। दोस्तों ये कम्युनिटी टैंक की फिश है, तो अगर आप कोई ऐसी एंजल फिश ढूंढ रहे हो जो कम्युनिटी टैंक में आपके आ जाए, तो प्लैटिनम एंजल फिश एक बहुत ज़्यादा अच्छी चॉइस हो सकती है। और इसके साथ साथ चेरी एट द टॉप ऑफ केक, ये इजी टू केयर है, इसकी केयर इतनी हार्ड नहीं है, तो बिगिनर्स के लिए एक खुशखबरी, 76 से 84 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर इनके लिए परफेक्ट रहता है, एंड 6.5 से 6.9 का पीएच इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहता है। नंबर 14, घोस्ट एंजल फिश। दोस्तों हमारी एक्वेरियम हॉबी में घोस्ट एंजल फिश के बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, पर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ग्रे घोस्ट एंजल फिश। दोस्तों इनकी खासियत ये होती है, जैसे जैसे ये बड़ी होती है ना, ये अपने शरीर पे ब्लैक कलर की जो है स्ट्राइप्स को स्पॉन करती हैं, और वो विजिबल हो जाती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और फैसिनेटिंग लुक देती है इनको। और हमारे लास्ट टाइप है क्लाउन एंजल फिश। दोस्तों जो क्लाउन एंजल फिश है वो मोस्टली है ना ब्लैक कलर में होती है, पर ये मिक्स्ड हो सकती है ऑरेंज कलर के साथ, पर बहुत रेयर केस में मिक्स नहीं भी होती, और डिपेंड करता है इनके जेनेटिक्स पे। इनके बारे में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, और बाकी इन्हें नॉर्मल लेवल की ही केयर चाहिए होती है। सो गाइस कंक्लूजन के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि एंजल फिश बिगिनर्स के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीशीज़ है। अगर आप एंजल फिश पालना चाहते हो तो इन लिस्ट में से ऑलमोस्ट आप कोई सी भी एंजल फिश ले सकते हो, पर कुछ कुछ ऐसे एंजल फिश है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जिन्हें एक्स्ट्रा लेवल की केयर चाहिए होती है। तो अगर आप बिगिनर हो तो मोस्ट ऑफ तो आपके लिए बनी है, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हॉबिस्ट हो तो आपके लिए तो इस लिस्ट में सारी की सारी एंजल फिश बनी ही बनी है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड भाई हो सके तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मैं आपको बाद में मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।